नमस्कार, स्वागत है आप सबका और हार्दिक स्वागत है आप सबका। आभारी हूँ सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलता होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू। तो हम आज का देखेंगे कार्ड की आज के डे की क्या एनर्जी है और आप लोग किस एनर्जी से जा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड करे कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, उनके लिए आज के लिए क्या संदेश है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड जो है आज का है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये किसी तरह के नुकसान का संकेत करता है और मन में चल रहे अंतर्द्वंद का संदेश दे रहा है मुझे। तो जो मैं आप लोगों की आज एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, एक्चुअली एनर्जी जो है ना वो 2-3 दिन से डिस्टर्ब है, इम्बेलेंस है। और इससे पहले बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए रहे थे, न्यू बिगनिंग्स के कार्ड थे, न्यू डील साइन करने के कार्ड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सडनली एनर्जीज जो है चेंज हुई हैं और कुछ नकारात्मक कार्ड आ रहे हैं, और जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। कुछ लोगों के लिए ये मौसम की चेतावनी है, कुछ लोगों के लिए रिश्तों की चेतावनी है, और कुछ लोगों के लिए जो है साइकिक स्पिरिचुअल अटैक से बचने के लिए सावधानी है। सो आप अभी जो है बहुत मानसिक अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, और इसका अगर मैं कारण कुछ लोगों को मतलब रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत टेंशन है, इसका अगर मैं सोचती हूँ कि क्या कारण हो सकता है, 2-3 दिन से मैं ऐसी एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो दिशा नहीं मिल रही है, दिशाहीन होकर भटक रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बात उनके लिए हो रही है, सभी के लिए एक ही मैसेज नहीं है, आप अपनी समझ के अनुसार अपने लिए यहाँ से मैसेज पिक करेंगे। तो कुछ लोग जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके रास्ते में इतने सारे ऑब्स्टेकल हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। कुछ लोगों को लड़ाई झगड़े का संकेत है, कुछ लोगों के लिए कुछ मन में बहुत अंतर्द्वंद चल रहा है, चोरी का नुकसान, चोट फेट लगने का नुकसान कुछ इस तरीके से है। वेदर की तो कल मैंने आपको चेतावनी दी ही थी, ये वो भी हो सकती है। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर मुझे रिश्तों के लिए संघर्ष करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पुराने रिश्ते, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ ऐसे रिलेशन जो टॉक्सिक हो चुके हैं और आपके लिए कुछ ज्यादा काम में नहीं आ रहे हैं, और बहुत कष्ट की स्थिति में है कुछ लोग, और हो सकता है किसी ने अपने किसी प्यारे रिश्ते को खोया हो, और नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों के चलते कुछ लोगों के जो मतलब जो परेशानी है, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, और इन परेशानियों के चलते जो बीपी है वो भी अप डाउन हो रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कुछ लोगों को रिश्ते को खो देने का भय है कि ये रिश्ता हमसे खत्म ना हो जाए, हमसे दूर ना हो जाए, इस तरह से मैं मिली जुली एनर्जी देख पा रही हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, और ऐसे में आपको क्या करना है? और कुछ लोगों को बिना वजह के टेंशन परेशानी है, डिप्रेशन है, और हाइपर टेंशन से कुछ लोग निकल रहे हैं, लेकिन उनको वजह नहीं मालूम है। देखिए, अगर आपको वजह नहीं मालूम है, वजह है तो समझ में आती है कि ये वजह इसलिए आप परेशान हैं, लेकिन अगर वजह नहीं है फिर भी आप किसी अनजाने भय से कुछ एक नॉनसेंस जैसे एक फीलिंग होती है कि सब कुछ है लेकिन ये चला ना जाए, वो खो ना जाए, इस तरह की, तो आप याद रखिए यहाँ पर कि ये जो थॉट्स हैं आपके नहीं है, आपको इसमें से निकलना है। ये आपको फील कराया जा रहा है, सिंपल सी बात है, फील कराया जा रहा है का मतलब आपके थॉट्स नहीं है का मतलब, फील कराया जा रहा है का मतलब ये है कि आप पर कोई साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर चुका है, तो आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है।
अब जो लोग बहुत ही स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी तो अटैच नहीं हो गई है, उनको मैं बोलूंगी कि ब्लैक टर्मोलिन वेयर करें और या फिर ब्लैक ऑबेसिडियन। अब सभी के पास तो है नहीं, क्रिस्टल पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपके पास होने चाहिए अगर आपके साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो। लेकिन एट प्रेजेंट हम इन समस्याओं से निदान पाने के लिए क्या करें, सेवन टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको सिंपल सॉल्ट लेना है और उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके और फ्लश कर देना है, ठीक है। उसके अलावा आप ढेर सारा पानी पीजिए, और खास करके जब आप मंदिर में पूजा करते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा बर्तन पानी का भर के रख लें और पूरे दिन उसको एक एक घूंट करके पिए, तब भी आपको बीपी में भी आराम मिलेगा और जो आपको हाइपरटेंशन हो रहा है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। एक बात और बताऊं आपको, आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को आप तेल का एक बर्तन लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर, अपनी छाया देखकर उसको दान कर दें। बर्तन सहित लोहे के छोटे छोटे बर्तन आते हैं, छाया पात्र, आप ये कीजिए, आपको इससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आने वाले दिनों के लिए जो मैं वार्निंग दे रही हूँ आप उस पर ध्यान रखेंगे, अमल करेंगे, अपनी एनर्जी को पहचानेंगे और उसको क्लियर करेंगे, और ये चीजें आपको हेल्प करेंगी अगर सच में आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगी, नमस्कार, और मिलते हैं फिर एक नई एनर्जी के साथ, नए कार्ड के साथ कि आपके लिए नेक्स्ट डे कैसा होता है। थैंक यू।